जी हाँ, आज ये जो पापी लड़की मेरे शो पे आई है, ये पहले भी आ चुकी हैं। एक साल पहले आपको याद होगा, काफी हमने फन किया था। इस एक साल के सिलसिले में ये प्रेग्नेंट हो गई और इनका छोटा नन्ना सा एक बेबी आ रहा है इस बकरीद पे, जिसका नाम है हीरमांजा। प्रेग्नेंट फिल्म यू गेट। हरीम में है साबुन की ताकत, दाग निकालने की स्टेन रजिस्टर्स और नील की ये, सॉरी मैं दूसरा एड मिक्स कर गया। मैं कहना चाह रहा था कि हरीम सिर्फ इस फिल्म की सिर्फ हीरोइन ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं। टीवी ड्रामों की जान, फिल्मों की आन और मेरी आज की मेहमान, प्लीज वेलकम द जॉर्जियस हरीम फारूक। तो मैंने आपका नाम सही लिया, फारूक की निकाल लिया। हरीम, ये बताएं आपके हीरो अली रहमान नहीं है, वो आज क्या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं? फिलहाल तो मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत। हाँ अच्छा, अभी करती हैं तो उन्होंने मुझे बताया था जब उनकी फिल्म आ रही होती है तो वो एक्स्ट्रा मेडिटेशन करते हैं, लाइक ट्वाइस अ डे, क्योंकि टेंशन बहुत होती है ना। आपसे मुझे कहा था मुझसे पांच सवाल नहीं पूछे। मेडिटेशन में क्या पांच बात है, मैं खुद करता हूँ। हरीम, ये आपकी चौथी फिल्म है एज अ हीरोइन और तीसरी एज अ प्रोड्यूसर, और तीनों फिल्मों में अली रहमान ही आपके साथ? नहीं 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 नहीं, चार में से तीन में से श्याम मेरे साथ काजी जब्बार थे और दोबारा फिर से मेरे साथ अदील हुसैन थे, ठीक है, और पर्ची में मेरे साथ अली थे और हीर मांजा में मेरे साथ अली। हाँ तो जो एज प्रोड्यूसर आपने की फिल्म है उसमें ज़्यादातर अली रहमान थे ना? हाँ जी। तो ये आपकी यासर हुसैन है? नहीं जी। अच्छा, हीर मांजा नाम के पीछे क्या स्टोरी है, क्योंकि मुझ जैसे जाहिल लोगों को समझ ना आ रही हो। हीर रांझा से निकाला था, हीर रांझा से डिराइव किया था, वर्ड प्ले था थोड़ा सा, और वो उसमें फिल्म में मना रहे हैं हीर नाराज़ है तो उसको मना रहे हैं, तो फिर हमने कहा हीर मांझा। बहुत अच्छा नाम है वैसे, और मांझा वो भी होता है ना पतंग वाला मांझा, उससे भी कोई रेफरेंस है? नहीं, लेकिन हमें शक था कि ये होगा, लोग पूछेंगे। हरीम, पहली दो फिल्में तो आपकी बहुत अच्छी गई जो आपने प्रोड्यूस की तीन करने, लेकिन ब्लॉगर बरादरी आजकल बड़े कंजर मूड में चल रही है, तो मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने खुदा ना खास्ता बजा दी तो आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई कि किसको कितने पैसे देने, ब्रीफ किस सिस्टम? नहीं नहीं, खैर बजा तो उन्होंने पर्ची की भी दी थी, खैर लेकिन बॉक्स ऑफिस बोलता, बॉक्स ऑफिस बुरा था ना, ये होता है वैसे ही, मैंने देखा कि उनके बजाने से कोई खास फायदा नहीं होता, सिर्फ मूड खराब होता है ना, बट बिजनेस पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हरीम, आपको क्या याद है हमने लास्ट इंटरव्यू में, हरीम पिछले इंटरव्यू में आपको याद है हमने कास्टिंग काउच की बात की थी? आपका कास्टिंग काउच अभी भी कुछ फैला है कि नहीं है? नहीं, कास्टिंग काउच मैंने आपको, नहीं मुझे याद आ गया उसका जवाब मैंने क्या दिया था और उस पर आपने क्या बोला था, तो नहीं कास्टिंग तो मेरिट पे होती है। मेरिट के? मेरिट पे होती है। जी जी, लास्ट टाइम उन्होंने कहा था मेरिट के बिस्तर पे होती है, मैंने कहा था मेरिट के बेसिस पे होती है। बेसिस पे, अभी बार बार इतनी दफा मैंने देखा लेकिन मुझे आता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि वही कास्टिंग काउच है कि कुछ नए लोग भी हैं या पुराने? नहीं, 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 नहीं लोग हैं, बिल्कुल नए लोग हैं। नाम बताएं, इन्फॉर्मेशन दें। बिल्कुल नए लोग हैं हमारे साथ इस दफा, मोजेस असनिया जो पर्ची में भी थे और वो हो, ये तो वापस हो गए, नहीं नहीं शुमाइल खटक, शुमाइल खटक वो अब हमारे साथ नए हैं। खटक साहब आए नए? हाँ बिल्कुल, खटक साहब नए हैं और इस दफ़ा हमारे साथ कैमियोज बहुत सारे हैं, हमारे साथ आबिद अली सर भी हैं, आबिद अली सर भी हैं, अंजुम हबीबी हैं, मिकाल जुल्फिकार हैं, आमना शेख हैं, अली काजमी हैं, ज़ारा शेख हैं, और उसमें उनके कैमियोज नहीं रखे हुए हमने, सिर्फ उनके एक्चुअली कैरेक्टर्स एंड स्टोरी को कॉन्टिन्यू। इतने बड़े बड़े नामों को, उनको सबको आपने पैसे दिए या फेवर्स? हरीम, चलते हैं हम अपने ट्रू और फॉल्स राउंड की तरफ, रेडी हैं आप? नंबर वन, मैंने 500 नफल पढ़े हैं, तय किए हैं कि मौला जट बड़ी ईद पे ना आए, किए आप माने थे आपने? 500 नफल, हाँ मैंने 500 नफल तो पढ़े ही पढ़े थे, लेकिन मैंने असद को भी बड़ी कॉलिंग दी, असद सच सच बता दें प्लीज़ खुदा के लिए आ रही है कि नहीं आ रही, मेरे फ़ोन का बिल बहुत ज़्यादा हुआ है। नंबर टू, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुपरस्टार है या पड़े हट लव, मुझे सिर्फ शान की ट्वीट से डर लगता है। He is one of the assets we have in our country में, तो I respect his opinion, अगर जो भी वो बोले फेयर है। Very good answer, आगे चलते हैं। नंबर थ्री, मुझे कोई टेंशन नहीं है फिल्म की सक्सेस के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि 50-70% लोग तो मेरा डांस देखने आ जाएंगे। हैं बिल्लो हाय, सीरियस सवाल था ये? अच्छा सर, लोग गाना देखने आते हैं? गाना दे, अच्छा ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि गाना देखने भी आएंगे ना इस दफ़ा भी, हाँ वैसे ही मांझा का जो टाइटल ट्रैक है वो भी है, लेकिन क्या कहते हैं फिल्म जरूर इन्जॉय करेंगे ये मुझे पता है,
ये मुझे पता है। मैंने ये देखा है जो भी आप करती हैं, ये अपना आइटम नंबर तो नहीं कहना चाहिए इसको, बट जो गाने करती है उसमें आप बहुत कपड़े काफ़ी फुल पहन के आती है, तो आपके क्यों टैटूज वैटूज हैं जो छुपा रही हूँ? नहीं, बस मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो फुल कपड़े पहनती हूँ। इमरान काजमी हमेशा इसलिए हंसते रहते हैं और खुश रहते हैं क्योंकि वो भी अली रहमान के साथ मेडिटेशन करते हैं। ये एक आती आर्ट ऑफ लिविंग, उसे 3 दिन का होता है कोर्स। नहीं, मैं वाकई सच कह रहा हूँ, मैंने भी किया था वो, तो वो करते हैं योगा शोगा? पूछ के बताइएगा मुझे आप, मैं पूछ के बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला, मैं टीवी फिर नहीं करूंगी, जो करना है करवा ले। नहीं नहीं, क्यों नहीं करूंगी, मैंने पिछले साल किया, मैं फिर करूंगी। हाँ, इरादा है आपका करने का? बिल्कुल, टीवी से ही तो इज्जत मिली है। टीवी वो जगह है जहाँ से नाम बना है, लोगों ने वहाँ से सराहा है। चलें, मैं भी उन बेकार सवालों पे आ जाऊँ क्या? वो पिछली दफा जैसे बेकार पूछ ले। आ गई ना अब लाइन पे। अच्छा जी, ये बताएं कि आपका सही मानों में कॉम्पिटिशन क्या है, मायरा, मैविश, माया या फिर अजय देवगन? अजय देवगन। उनसे आपका कॉम्पिटिशन है? मेरा कॉम्पिटिशन अजय देवगन से। ये बताएं हरीम कि यही 5 लोग दुनिया में अगर रह गए होते तो आप किससे शादी करती? ऑफ कोर्स अली रहमान। ऑफ कोर्स अली रहमान। असफर रहमान। असफर रहमान। एक जैसे ही लगते हैं वो कभी कभी मुझे, उनके नाम भी मिक्स हो जाते हैं। बिलाल अशरफ, शेरार मुनवर, वॉइस ओवर मैन या नौशीन शाह, किससे शादी करें? वॉइस ओवर मैन है। मेरी चौथी होगी है, लेकिन आई होप यू डोंट माइंड, और फिर भी मैं अपने आप को वर्जन ही कहता हूँ। ये बताएं हरीम के आप एक्टर नहीं होती तो इनमें से क्या होती? करीम ड्राइवर होती, UFC फाइटर होती, शेफ होती यानी कि बावर्ची, या फिर हेयर स्टाइलिस्ट होती यानी कि हजाम? करीम ड्राइवर होती। करीम ड्राइवर होती, बड़े चिल होते हैं यार वैसे। हाँ। अगर फर्स्ट करें कि आप पर्ची में खुद नहीं होती तो बिल्लो रानी, बिल्लो हाय किससे करवाती, या वो हीरोइन किससे करवाती? सनम से। सनम सही, सनम पसंद है आपको? सनम बहुत अच्छी। चलते हैं हम अपने एक्सट्रीमली ओरिजिनल सेगमेंट की तरफ। आपको पता ही है क्या, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। जो पहला लफ्ज आपके दिमाग में, आपने मुझे बताना है। अजान समी खान। वेरी गुड सरप्राइज, ही इज वेरी गुड, हिज म्यूजिक इज वेरी गुड। ब्लॉगर बरादरी। गुड पीपल बट आई थिंक वी आर लूजिंग बाउंड्रीज। फिल्म प्रीमियर्स। बस हो गए, बस हो गए। सुपरस्टार। फिल्म अच्छी होगी। परे हट लव। वो भी अच्छी होगी। अवार्ड शोज। अच्छी बात है, हम एक्सपैंड कर रहे हैं और होराइजन्स देख रहे हैं आगे जाके, बट अगेन आई थिंक वी स्टिल एज एन इंडस्ट्री नीड टू यूनाइट। वेब सीरीज। दिमाग में क्या आता है? नेक्स्ट बिग थिंग। नेपियर रोड है क्या? और ये आपके हीरो के लिए था क्या? नेपियर रोड। नेपियर रोड यहीं कभी आप, वहाँ खाना बहुत अच्छा होता है। इमरान काजमी, वन वर्ड। यार भाई, लव ब्रदर। उस्मान मुख्तार। गुड एक्टर। असफर जाफरी। Love. Item numbers. नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। Item numbers क्या होते हैं? मैं बता दूं क्या होते हैं। By definition, item numbers वो होते हैं जिससे फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं होता और एक सरप्राइज गेस्ट आती हैं किसी और फिल्म में और आके नाच वाच के बहुत सारे मर्दों के सामने चली जाती हैं। अगर आप objectify कह रहे हैं, हाँ, मतलब अगर छोटे छोटे कपड़े पहनाए हुए हैं और बाकायदा, मतलब गलत सलत एंगल्स ले रहे हैं और ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स एन आइटम नंबर। अदरवाइज इट्स जस्ट एन इट्स अ सॉन्ग एंड नॉट, या इट्स अ डांस नंबर अदरवाइज। कोक स्टूडियो। कोक स्टूडियो नीड्स टू अप देयर गेम अगेन, मतलब वो एक टाइम पे बहुत अच्छा था। आई थिंक नेस्कैफे बेसमेंट इज डूइंग रियली वेल इन कंपैरिजन टू देम। क्या चाय या कॉफी आपकी प्रेफरेंस? कॉफी, ब्लैक कॉफी, स्ट्रांग वाली। सोच रहे कल को चाय का ऐड मिल गया तो मसला हो जाता है, ये क्लिप जो है ना रिपीट पे चलाते हैं फिर लोग। चाय भी पी लेती हूँ कभी कभी मैं वैसे। गुड, मैंने इनको बचा लिया। निहारी के बिरयानी। बिरयानी। बॉक्सर्स के ब्रीफ्स लड़कों पे। ब्रीफ वो वाले होते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई। और बॉक्सर वो चट। ये अपने लिए के लिए सवाल लिखा होगा? नहीं, आपके लिए। मेरे लिए था, मेरे लिए ही। लड़कियों से पूछते हैं ना कि लड़कों पे आपको क्या अच्छा लगता है? सिंपल सा सवाल है, दुनिया भर में हर टॉक शो में ये पूछा जाता है। चले हम आगे चलते हैं, लड़की शर्मा गई है, हालांकि इतनी शर्माऊ है नहीं वैसे रियल लाइफ में। जनान के पर्ची। यार ये बहुत मुश्किल सवाल पूछा है। बहुत आसान सवाल है। पर्ची। वेरी गुड। ब्राइटर फ्यूचर किसका, एकरा के हानिया? दोनों का बहुत अच्छा फ्यूचर है आई फील, बट बिकॉज़ बोथ ऑफ देम आर रियली गुड एक्ट्रेसेस, बहुत अच्छी, दोनों बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं।
चलें, मैं लड़कों में आ जाता हूँ। ब्राइटर फ्यूचर असद सिद्दीकी की यासर हुसैन, आई थिंक। हाँ, क्योंकि एक थोड़े से आई थिंक यासर तो फ्यूचर बना चुके हैं अपना, तो आई एम गेसिंग वो तो फ्यूचर से होकर वापस आ चुके, तो असद सिद्दीकी हो गए। मेरे अलावा फेवरेट यूट्यूबर कौन है आपका? आपके अलावा फेवरेट यूट्यूबर दानिश अली। ये अगले राउंड का नाम है तुक्का राउंड, यानी कि आपने दवा आके तुक्के लगाने, ठीक है, और ये इतना सीरियस नहीं है तो आप फिक्र ना करें। मोलाजेट कब रिलीज होगी? तुक्का लगाएं, तुक्का लगाऊं, मुझे लग रहा है अगले साल। अगले साल हुमायूं सईद अगले साल कितनी फिल्में करेंगे? एक तो करेंगे। ईमान टिचपटन छोड़ के नहीं भागेंगी? मेरा नहीं ख्याल, नहीं भागेंगे। अगला तमगा इम्तियाज किसको मिलेगा? तुक्का है, का है तमगा इम्तियाज अगला किसको मिलेगा? आई थिंक वैसे माहिरा को मिलना चाहिए, माहिरा को मिलना चाहिए, चाहिए। हाँ। इस साल की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी कौन सी होगी? इंशाल्लाह। कौन एक्टर रोल के लिए गंजा होने को तैयार हो जाएगा लड़कों में? आई थिंक अली हो जाएगा। अली कौन? रहमान। रहमान हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। इतना है उसके अंदर सीन के। हाँ, इज अ वेरी गुड एक्टर, इज अ ब्रिलियंट एक्टर, इज इन हिज। कौन एक्टर रोल की रिक्वायरमेंट के लिए नंगा होने के लिए तैयार हो जाएगा? रोल की रिक्वायरमेंट के लिए रोल की रिक्वायरमेंट के लिए फुल ऑन नहीं, लेकिन जितना अभी तो बिलाल अशरफ। हां, बिलाल अशरफ, बिलाल अशरफ, बिलाल ने कपड़े उतार दिए, उतार दिए। पाकिस्तान में पहला एक्टर कौन होगा जो स्क्रीन पे किस करने को तैयार हो जाएगा? तो कल मेरा नहीं ख्याल, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कोई भी होगा, कोई भी नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल, अगले 100 साल में कोई भी नहीं होगा। मेरे तो ये तुक्के वाली बात भी नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है अटेंशन के लिए एक आध कोई एक्टर जो मेन स्ट्रीम ना हो वो कर देगा। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन है। कौन मरेगा सबसे पहले है? हाँ। अच्छा, किस एक्टर या एक्ट्रेस का करियर तबाह होने वाला है? अल्लाह ना करे, क्या होंगे। नहीं नहीं, फिल्म में सबसे बड़ा मेल स्टार कौन है फवाद खान के अलावा, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से फिल्म नहीं की? हुमायूं। लड़कियों में किसके अलावा फिल्म स्टार? किसी के अलावा नहीं, वैसी फिल्म स्टार को सबसे बड़ी कौन लगती है? माहिरा। माहिरा। अदनान सिद्दीकी कब आ जाएंगे? नेवर। ये तुक्का नहीं, ये डेफिनेटिव आंसर था हरीम का। कभी थीफा इन ट्रबल 2 में हीरोइन कौन होंगी? आई एम गेसिंग माया ही होगी। आपकी अगली फिल्म का हीरो कौन होगा? हाँ, ये जो है सरप्राइज है, सरप्राइज। अली रहमान नहीं होगा? आई थिंक थोड़ी सी ब्रेक लेंगे अभी। ब्रेक लेंगे ये लोग। अगले इलेक्शन में कौन जीतेगा? तुक्का लगा, इमरान खान। सोशल मीडिया पे अगला स्टैंड किसका बनेगा? क्या है ये, मतलब तुक्के हैं। देखिए होता है ना कि हाँ, वो आजकल थोड़ा सा तेज चल रही है या चेज चल रहा है, उसका कुछ ना कुछ बन सकता है सीन। अगला स्कैंडल किसका बनेगा? अगले स्कैंडल को किसका क्या क्या चल रहा है जरा आजकल ये तो बताएं। अच्छा, अगर चक्कर ना भी चल रहा हो, एक होता है ना जिस तरह अनफॉर्चुनेटली मायरा का हुआ या सबा का हुआ, अगला वो कंट्रोवर्सी किसकी क्रिएट होगी? मुझे तो बार बार मुझे तो लगता है मीरा जी की होगी, मीरा जी बार बार कुछ ना कुछ। चले, दैट्स एन आंसर। अगला वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। सरीम, इन सब गानों में से आप कौन सा बेहतर कर सकती हैं? आयशा उमर इन बड़ी टूटी फ्रूटी कॉर्नेटो आइसक्रीम हूँ मैं, सदफ कमल इन कैफे क्लिफ्टन आई मीन कैफे सुरू, माहिरा इन नूरी, मैविश इन चिड़िया या सबा कमल इन कलाबाज दिल? कोई भी नहीं, इंसानों ने बहुत अच्छा किया। तो आप बेहतर नहीं कर सकती इनसे? इनसे बेहतर नहीं, इंसानों ने बहुत अच्छा किया। तो आपने भी बिल्लो बहुत अच्छा किया था, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। थैंक यू। ये बताएंगे ये टाइटल्स किन लोगों पर बेस्ट सूट करते हैं? मिस्टर ग्रे फ्रॉम 50 शेड्स ऑफ मिस्टर ग्रे। 50 शेड्स ऑफ मिस्टर ग्रे अली आई गेस। रहमान। चिकनी चमेली। थैंक यू। बेबी डॉल में सोनी दी। बेबी डॉल में सोनी दी। इकरा। इकरा। खलीसी मदर ऑफ ड्रैगन्स। खलीसी। वो रोल चले कौन बेहतर कर सकता पाकिस्तान में? नहीं, कोई भी नहीं। ओह नहीं, दैट कैरेक्टर इटसेल्फ आई थिंक दैट्स अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर, उसके अब आप इमेजिन नहीं कर सकते उसके अलावा किसी और को। चलिए ये जवाब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये टाइटल किस पे सूट करता है? पर्ची। बहुत हैं लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी।
वर्ड मीनिंग्स देखते हैं आप कितनी स्ट्रीट है, एज इन स्ट्रीट स्मार्ट है। तैयार हैं आप? आप गेस करें इन वर्ड का मतलब क्या होता है। चपड़खनातिया। चपड़खनातिया सुने कभी आप? चपड़खनातिया। ओके आप गूगल कीजिएगा अर्बन स्लैंग को। खड़पैंच। खड़पैंच, खड़पैंच का मुझे आइडिया है थोड़ा सा, अजीब खड़पैंच है यार, मतलब फजूल फारिग शायद, चपल टाइप। ठीक है, रांगड़। रांगड़। रांगड़ तो जबान नहीं होती है। जबान होती है, कहते बड़ा रांगड़ आदमी है। रांगड़ तो वो नहीं है, लैंग्वेज नहीं है। पोंका, इसका क्या मतलब होता है? पोंका, पोंका मैंने कराची में आते पहली चीज ही पोंका सीखी थी। पोंका का मतलब होता है कि व्हाटएवर। उर्दू का वर्ड डिक्शनरी में पता है पिस्सू। पिस्सू का मतलब मुझे आइडिया था शुरू शुरू में, पिस्सू का मतलब होता है भूल गई। कोई बात नहीं, पिस्सू का मतलब क्या होता है? पिस्सू। पिस्सू असल में एक छोटा सा वो जानवर होता है जो खून चूसता रहता है, बहुत है ना हमारे आसपास। हरीम, आपको लगता है कि लड़की प्रोड्यूसर होने के कुछ फायदे हैं या नुकसान हैं? प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर होता है, लड़की या लड़के का कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सोसाइटी में। आपको पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ? कि आपकी जो भी मीटिंग्स होती हैं और जो डील करना पड़ता है लोगों से अलग अलग, तो क्या लगता है कि इसका फायदा है कि नुकसान है? आई थिंक व्हेन इट कम्स टू बिजनेस तो द पीपल फॉरगेट जेंडर, तो फिर इट्स जस्ट बिजनेस। बहुत मासूम है आप। ये बताएं कि हीर मांझा लोग क्यों देखें? क्योंकि हीर मांझा में हर किस्म की एंटरटेनमेंट है, उसमें रोमांस है, कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, एवरीथिंग। और अपने घर वालों के साथ देख सकते हैं ये इंटरव्यू, शायद अब अपने घर वालों के साथ ना देख सकते। बहुत PG-13 था ये, पिछला वाला देखें तो आपको पता चलेगा इसमें तो आई बिहेव माई सेल्फ। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी डायरेक्टली अपनी ऑडियंस को अपनी फिल्म के हवाले से? दबा के प्रमोट करें, मैं तो कहता हूँ दबा के प्रमोट करूँ, बिल्कुल डन हो गया ये फिल्म। आप अपनी हीर मांझा जो आ रही है इसी दुलसा पे, आप अपनी फैमिलीज के साथ जाके देख सकते हैं, अपने घर वालों के साथ। इस फिल्म में सब कुछ है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है जिससे वो रिलेट कर सकेंगे। पाकिस्तानी मसाला फिल्म है। पाकिस्तानी मसाला का मतलब कि हमारी आवाम उन चीज़ों से रिलेट कर सकती है, बड़े बूढ़े बच्चे लड़के लड़कियाँ। इसमें जोक्स ऐसे, रिश्ते ऐसे हैं जिससे लोग रिलेट कर सकते हैं। गाने बहुत मज़े के हैं, एक्शन कॉमेडी रोमांस ट्रेजेडी सब कुछ। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस। एंड अबव ऑल मुझे ये, मैं वैसे बायस होकर नहीं बोल रही, मैंने पूरी फिल्म देखी है तो मुझे ऐसा लगा है हीर और कबीर का जो कपल है, जो फिल्म है जो हीर और कबीर का कपल है, इट्स एक्चुअली अ वेरी अडोरेबल कपल। इट्स अ वेरी क्यूट कपल, वो देख के आपके तो